हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9, मैं तो उठ गया हूँ, बाकी लोग सब सो रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखें। तो ब्लॉग करते हैं शुरू और मैं उन लोगों को उठाता हूँ, जल्दी से जल्दी रेडी होते हैं फिर निकलते हैं, जो आपके लिए सरप्राइज़ है उसे दिखाते हैं। तो मिस्टर जैन सैफी बजा रहे हैं गिटार, ये गाओ ही गाओ, और नाजिम भी गा रहा है इधर गिटार। चलो फिर से उड़ चला। उड़ के देखा है जहान बीच पैसे ले लो पैसे। हमारी तरफ से भी 50 रुपए। वापस ले लिया उनने। चलो भाई रेडी करें। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। लाओ कितने रुपए कमाए वो तो दे दो आप। 60 रुपए। चलो रेडी रेडी। और ये वसीम सिंगर नगर में गाँव मानी। वाह, वसीम द सस्ता सिंगर इज हियर। दबाओ ना उसे, स्ट्रिंग दबानी पड़ेगी। उंगलियां कट जाती हैं। वाह वाह वाह, ही इज लर्निंग गिटार। ये बाद में लड़ेंगे। यहाँ भी जैन का गांड मंडल इज हियर। तेरी मेरी कहानी YouTube का डॉन पर आपका स्वागत है भाई लोग। मैं हूं तत्वा के स्टाइली बेबी एक्सक्लूसिवली और जबरदस्त हिट 95 FM। जैसे मैं बोलता हूं जबरदस्त है, जबरदस्त थे और जबरदस्त रहेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है राउंड 2hell के भाई लोग। बहुत एक नंबर पार्टी, मतलब फुल पावर वाली है। ऐसी होना चाहिए भाई, दिल के साफ, नीयत साफ, सबको जिंदगी में मिलता है। बिल्कुल। तो अगला सवाल थोड़ा सा टिड्डा है पर मेला है, वो आप ही बताओगे, सीधा आपने करना उसे। ये जैन से भी भाई जी का जो डायलॉग है, तेरी बहन का डॉग ही काटूं। ये कौन सा डॉग है भाई? रॉटवाइलर है, पिटबुल है कि पोमेरेनियन है? ये हर ब्रीड है, हर ब्रीड सारी ब्रीड है। अच्छा, ये जैन से भी भाई का जो डायलॉग है, तेरी बहन का कुत्ता, डायलॉग है आपका जो आप बोल रहे हैं, ये सारी ब्रीडों का डायलॉग है। ये कहां से आया भाई ये डायलॉग? ये कहीं से नहीं, बस एक बार गाली बकने की सोच रहा था मैं तेरी बहन की, तो फिर वो तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो आगे काट दिया बस। कुत्ता काट दिया, डायलॉग काटना था। कभी आपको कुत्ते ने काटा है? हाँ मेरे काटा है। कितने इंजेक्शन लगे थे? मेरे लगे थे 14। कहाँ लगे थे? सब यही लगे थे, पीछे पीठ में, कूल्हे में। यहाँ लगते हैं मेरे लगे थे, शायद मैं 8 साल का हूँगा जब काटा था। तो उसके मैंने रखा हुआ था, शूटिंग में भी बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मिल लो सही, इतना दम नहीं है। माशाल्लाह, बहुत 25 का होगा। और भाई लोग मैं एक बात बताऊंगा अंदर की, और भाई लोग अंदर की बात बताऊंगा कि तीनों भाइयों को हिप हॉप बड़ा पसंद है। जी बिल्कुल, हिप और हॉप, हिप हॉप, मेरे हिप करे हॉप। फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा आपका हिप हॉप में? हिप हॉप में फेवरेट मतलब यार एक नहीं है कोई मेरा, मुझे सभी पसंद है यार। डिवाइन नेजी, अच्छा हिप हॉप में आता है, अपने तरह होते हैं है ना, दिल पे लगते। कहाँ पे? दिल पे। दिल की कौन सी नस में? आउट ऑफ देंगे, थैंक यू। तीसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मत बताना,
समझ रहा है मैं क्यों नहीं बता रहा था उस टाइम, ये क्यों निकालने की तरकीब भी तो जरूरी है ना, वो करना पड़ता है। बिल्कुल आप थोड़ा खुल जाओ यार, अगला सवाल मीटर चालू है, फटाफट करेंगे। ये संजय सर का कैरेक्टर कहां से इंस्पायर्ड हुआ भाई, ये कहानी तो मैं जानना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। संजय सर हमारे एक टीचर थे, रियल टीचर। अच्छा। जो कि अब नहीं रहे, मतलब उनकी डेथ हो गई। एक ऐसी कौन से क्लास में थी ये टीचर आपके? ये मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ इसी, आप लोग क्लास टू से साथ हो? हाँ नहीं, 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 मतलब सेम स्कूल हमारा जो था फिफ्थ तक साथ थे जैन में। अच्छा। उसके बाद चेंज हो गया, ये जो फिफ्थ से पहले स्कूल था हमारा। हाँ जी। उसमें एक रियल टीचर थे संजय सर, इतना नहीं मारते थे जितना ये अपने मारते है ना। करके दिखाया जो था सब सेम था, मारते इतना नहीं थे, मतलब डर इसी टाइप का था कि जब संजय सर नाम लेते थे तो मतलब बस खत्म। रिसेंटली मतलब पता चला कि उनकी अभी एक दो साल पहले डेथ हो गई। तो जब ये संजय सर कैरेक्टर डेवलप करा आपने वीडियोस में, तो उनको दिखाई थी वीडियो? नहीं, वो नहीं। जब डेथ हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी पहली बार, ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। अच्छा। अगर होते तो आज दिखाते। देख रहे हैं ऊपर से, ऊपर से देख रहा हूँ। इतनी मार खाई होगी आप लोगों ने, लगता है मेरे को तभी इतना बहुत मार खाई। नहीं, बहुत मार खाई है। पहले दिन जब उनकी स्कूल में एंट्री हुई थी, मतलब आए थे तो सबसे पहले मैं ही कुटा था। अच्छा। प्रेयर असेंबली में ही मारा था मुझे तो पहले ही दिन। अच्छा। मैं जो पिटा था, मैं रियल इंसिडेंट ये लिया। क्या बात है, क्या मतलब आपके वीडियोस के जो कैरेक्टर्स है रियल लाइफ से भी बहुत इंस्पायर्ड है। हाँ, जो कि बढ़िया बात है। बिल्कुल कोई फेक काम नहीं, रियल काम ही करो। बिल्कुल। और सीधा राउंड टू हेल पहुंचो, खींच के कट जी। तो फाइनली गाइस हमारा हो चुका है बैकअप। कहाँ से पैकअप? स्टूडियो से पैकअप हो चुका है। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं घर पे। तो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि ब्लॉग पूरा क्यों नहीं हो पाया, तो ब्लॉग इसलिए पूरा नहीं हो पाया गाइज क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई, और बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या है, क्या हो रहा है। तो ये जो इंटरव्यू दिया गया था, ये 95 रेड एफएम के लिए दिया गया था। आने वाले समय में जैसे ही आएगा हम आप लोगों को बता देंगे कि कब आ रहा है। अभी फ़िलहाल शूट कर लिया गया था, शूट करके रख लिया गया क्योंकि बहुत सारे शो होते हैं जो आने होते हैं उसके बाद आता है, इसीलिए लोग पहले शूट करके रख लेते हैं इस चीज़ को। तो गाइस बहुत अच्छा लगा वहाँ पर शूट वूट कर, और मज़ा भी आया। जो भाई थे, नाम भूल गया उनका, बहरहाल बहुत ही फनी वे में हमने पूरा शूट कंप्लीट किया, मज़ा आ गया। तो जब तक के लिए सब बखैर, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।